प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप उतरो। मैं शांति रख, निकल रहा हूँ, दो मिनट शांति रख। जेठालाल, ओ जेठालाल। क्या हुआ अय्यर? अरे आत्माराम, जेठालाल मेरे को देख के रिक्शा में छुप गया। जेठालाल, ओ जेठालाल, ओ पिड़ू, ओ पापा जी, ओ क्यों शोर मचा रहा है यार? अरे जेठालाल रिक्शा में छुपा है। ओ जेठा ब्रा, ओ जेठा ब्रा, ओ की होया यार? क्या हुआ जोड़े? अरे जेठा अपना रिक्शा में छुप गया यार। क्या? पिड़ू, जेठा अपना रिक्शा में क्यों छुपा है? एक मिनट, अरे अय्यर, हाँ, वो रिक्शा में क्यों छुपा है जेठालाल? मेरा को क्या मालूम? अरे एक मिनट पूछ के बताता हूँ। अरे अय्यर भाई, क्या पूछ के किसे क्या बताना है, जरा मुझे भी बताओ। पोपड़लाल, जेठालाल रिक्शा में छुप गया है। अच्छा, क्यों? पोपड़लाल, मैं जेठालाल को पूछकर तुम सब लोगों को बताता हूँ, ठीक है? पूछो पूछो भाई, जल्दी पूछो। चलो बबीता, निकल निकल, रिक्शा स्टार्ट कर, निकल इधर से, निकल। नहीं, पहले इधर तक खड़ा रहो। हाँ देखा, जेठालाल ही है, मेरी आंखों को धोखा नहीं हो सकता है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठालाल। मेरे को देख के रिक्शा में क्यों छुप गए? ले, कोई छुपा नहीं है, छुपा कौन है, कोई छुपा नहीं है। तो क्या कहीं जा रहे हो? अरे बाहर किधर जाएंगे, अभी तो आ रहे। अरे भाई तू चुप बैठना। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को जाने का है, मेरा भाड़ा दे दो। जरा आहिस्ता बात करो भाई, इधर लेडीज लोग खड़े हैं, जरा तमीज से बात करो। हाँ, आराम से, कोई किधर नहीं जा रहा है, मिलेगा भाड़ा तुम्हारा। हाँ, दे रहा हूँ तेरा भाड़ा। हाँ, अरे जेठा ब्रा, सवेरे सवेरे इस हालत में रिक्शा में किधर जा रहे हो? भाई जा रहे हैं नहीं सड़ी, ये पूजा किधर से आ रहे हैं? अरे हाँ, सही बात है, करेक्ट है जी। जेठा ब्रा, और सवेरे सवेरे इस हालत में ओ किधर से आ रहे हो भाई? ओ आप, ओ आप, जॉगिंग जॉगिंग करने गया था छोटे। ओ वेरी गुड यार, ये तो चंगी गल है। रिक्शा में जॉगिंग करने? क्यों, रिक्शा में नहीं जा सकता? मैंने जा सकते है जेठा लाल, लेकिन ये जूता पहन के। हाँ, ये जूता पहन के। यह जूता पहनकर नहीं, यह जूता पहनकर जॉगिंग होती है। मालूम है अय्यर भाई, अरे जॉगिंग वो जूते पहन के करते हैं, लेकिन मैंने सोचा इस बार जरा यह जूते पहन के जॉगिंग करूं, देखो जरा कैसा लगता है। हाँ तो कैसा लगा जेठालाल? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अरे जेठालाल एक बात बता, जॉगिंग करने की ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम्हें रिक्शा करके जाना पड़ा? अरे जुहू चौपाटी गया था भाई। वाओ, आप जुहू चौपाटी गए थे? वहां पे एक शिप आई, आपने देखी? बबीता जी, हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते। सच कहो तो जॉगिंग के बारे में शिप देखने गया था। क्या है, दिन भर तो दुकान में इतना बिजी रहता हूँ कि वो जाने पता जू साइड।
तब मैंने बोला आज सुबह सुबह पहले जाके और शिप देख ही आता हूँ। ग्रेट। और जेठा बड़ा यार कमाल करते हो, और सवेरे सवेरे कल्ले कल्ले खुद ही चल गए, और हम सबको बताते तो हम भी साथ में चल पड़ते यार, मजा आ जाता। हाँ हाँ। और क्या जेठा जी, मुझे भी देखनी थी। अरे तो चलो कल जाते हैं सुबह फिर से, कल का फिक्स। अरे जेठा भाई, जू चौपाटी पे गए थे तो दो चार दर्जन नारियल पानी ले आते, मजा आ जाता। अरे आते भाई, कल आपको उधर ही पिलाता हूँ ना, डायरेक्ट फ्रेश पेड़ से तोड़ के। पक्का? ओ भाई, और अभी कितना टाइम इधर रुकने का है? अरे हाँ एक मिनट। अरे दया, दया, अरे दया, दया, टप्पू के पापा रुक गया। क्या हुआ? पता नहीं, दया, ये ला पकड़ो भाई। पापू जी टप्पू सुंदर, अरे कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन? हम लोग वहाँ गए ना तो पता चला कि आप निकल गए हो। बाद में घर पे जाके बात करते हैं। चलो चलो। ओ साहब, अरे पहले मेरा भाड़ा तो दो। अरे हाँ भाई, बापू जी आपके पास 70 रुपए होंगे, मैं अपना पर्स गोडाउन में भूल गया हूँ। सुने पैसे ले ले। दे देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो दे दो। सुंदर के पास पैसे हैं, ले लो भाई, ये लो दे दो। एर भाई ये ले। नहीं नहीं चलो, मिल गया, देखना पड़ेगा, मिल गया तुम्हारा भाड़ा। चलो निकलो, अभी निकलो, जाओ जल्दी चलो। पुलिस स्टेशन चलो, गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम हो गई? हाँ दैभा भैया, पुलिस स्टेशन का क्या बात है? सुबह पुलिस स्टेशन? कल रात टप्पू के पापा पर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। मुसीबत? क्या मतलब, एग्जैक्टली क्या हुआ दैभा भाई? जिसने जेठालाल को चोर बनाकर पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। आप लोग मुझे बताओ, मैं पूरा पुलिस स्टेशन हिला दूंगा। ए भाई, तुझे ना शांति रखना, अब सब हो गया ना। जेठिया, तू पहले मुझे ये बता कि तू गोडाउन में फंसा कैसे? अरे बापूजी क्या बताऊं, वो गोर्धन काका को लेने के लिए मैं दुकान से एयरपोर्ट जाने के लिए निकला तो इतना मैं और रात में आप सब पे इतनी मुसीबत आ गई और आप सब ने हमको बताया भी नहीं। छोड़िए, ये सब आधी रात को हुआ, तो अभी आधी रात को कहाँ सबको तकलीफ देते हैं। हाँ बरोबर है चाचा जी, पर दया भाभी ऐसे मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? सही बात है, हम लोग पराए हैं क्या? दया भाभी फोन तो कर दिया होता, भगवान ना करे कुछ और बड़ी मुसीबत हो जाती तो। आप लोग तो हमें अपना समझते ही नहीं है। नहीं नहीं बबीता जी, आप ऐसा गलत मत सोचिए प्लीज, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ टप्पू के पापा सही कह रहे हैं, वो क्या है घर में बापू जी सुंदर उसके दोस्त सब लोग थे मदद करने के लिए, इसलिए आप लोगों को तकलीफ नहीं दी। लग रहा दया भाभी ऐसा दूसरी बार हुआ तो सबसे पहले हमको बताना। बबीता जी आप भी क्या, हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं मतलब ये अय्यर भाई क्या कहना क्या चाहते हैं, दोबारा ऐसे मेरी लाइफ में ऐसी परेशानी आए? नहीं नहीं जेठा जी, इनका मतलब ये है कि हम सब लोग एक फैमिली की तरह है तो हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हाँ तो ठीक है। हाँ। चलो जीजा जी घर जाते हैं, चलो। हाँ, मुझे कुछ कहना है।
क्या? बधाइयां। बधाइयां क्यों? और चाचा जी, दया भाभी जी, सुंदर और टप्पू पुत्र, वो आप सब ने मिलके चोर को पकड़ा, तो इसके लिए बधाइयां। आपका नाम हिम्मत वाली दया भाभी होना चाहिए। Yes, ये भी सही बात है। हाँ, मैं तो कहता हूँ आप चारों को गोभीपुर मिलना चाहिए। हाँ। गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। और जेठालाल को खास करके गोसापू मिलना चाहिए। गोसापू? हाँ, गोकुलधाम समझदारी पुरस्कार। एक मिनट, पहले समझता ले, समझदारी पुरस्कार क्या है? भिड़े पाई समझदारी पुरस्कार। अरे कोमल भाभी, चोरों से डरकर नहीं, समझदारी दिखाकर जो तुमने मुकाबला किया है ना, उसके लिए तुम्हें गोसापू मिलना चाहिए। तो अभी ये पाविश खत्म हो गया हो? क्या क्या क्या? पाविश मतलब पारितोषिक वितरण समारंभ। अगर खत्म हो गया हो तो हम लोग अपने अपने घर चले। हाँ भाई, काफी थके हुए हैं। चलो चलो, खाना रात से खाया नहीं कुछ। गोडा घर का धर्मशाला है ये? क्या है सुंदर? बेचारे सो रहे हैं। तो जगाओ उनको, मुझे कुछ पूछना है उनसे। जागो। माय डियर जीजा जी आ गए, उनकी चिंता छोड़ो। अरे वाह, जीजा जी मिल गए। बाय बाय। जीजा जी कहाँ गायब हो गए थे? हमें कितनी चिंता हो रही थी। वो दिख रहा है। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, रात को पुलिस स्टेशन से इधर घर पे फोन आया था, तो किसने बोला कि ये जेठालाल का घर नहीं है? रॉन्ग नंबर। किसने कहा था? तुम लोगों की वजह से पुलिस ने मुझे कितना परेशान किया मालूम है? पर एक बात नहीं मानी उन लोगों ने। जीजा जी, मुझे लगता है कि वो लोग इतनी गहरी नींद में होगा कि उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि वो लोग मुंबई में सो रहे हैं। उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि वो लोग अहमदाबाद में सो रहे हैं। ऐसी कैसी तुम्हारी गहरी नींद कि तुम्हें पता ना चलेगा तुम अहमदाबाद में हो कि मुंबई में? तो? आइंदा ध्यान रखना। भाई, ये आइंदा मतलब? मतलब दोबारा ऐसी परिस्थिति आ जाए तो। ये क्या बोल रहा है? बराबर है। उठा ले प्रभु, उठा ले। क्या दोनों? ए जाओ जाओ, जाके नहा लो, जाओ, चलो बराबर। सॉरी जीजा जी, इन लोगों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप नहा लीजिए, तब तक मैं सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना देती हूँ। बापू जी। हाँ, चलो जल्दी से कुछ तड़कती फड़कती गर्मा गर्म चीज बना दे। कल रात से कुछ नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, आप नहा लीजिए। हाँ। जा तू भी नहा ले। लो लो भाई, तुम सब लोग लो। पूरी रात तुम सब लोगों ने टेंशन लिया है, खाओ मर्जी से खाओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत टेंशन था। अरे रात भर नींद नहीं आई है। बोल। वाह हाँ, मजा आ गया। ये लीजिए गर्मा गर्म खबर। ला ला लीजिए। लो भाई लो। सर्वना बता बापू जी। लीजिए। रावण रावण लो। अब खा रहा हूँ भाई।
फाफड़ा फाफड़ा दे। ये लीजिए पत्रा। अरे वाह बहन वाह, इतना बढ़िया नाश्ता है ना, पूरी रात की थकान उतर गई। पत्रा रे पत्रा। अब लीजिए पत्तू भाई, कुछ खाते ही नहीं है। बापूजी। दया। ये क्या है? आपकी प्लेट तो एकदम खाली है, आपको कुछ नहीं खाना? मैं कब से वहाँ राह देख रहा हूँ, अभी परोसेगी कभी परोसेगी। सॉरी, वो क्या है, आप वहाँ बैठे तो आप नजर में ही नहीं आए। तो तेरी नजर में आने के लिए कहाँ बैठूँ मैं? जीजा जी, हाँ थैंक यू, पुट सोफा इधर खींच लीजिए ना। अरे यहाँ सोफा कैसे आएगा? जीजा जी, आप आराम से वहीं सोफे पर बैठो, हमारा लगभग खत्म हो गया है बेना, अभी जीजा जी को ही दो। सॉरी हम लगे, मैं प्लेट में परोस कर देती हूँ, आप बैठिए। जल्दी जल्दी, भूख लगी, रात से कुछ नहीं खाया। दया लेना है भाई, लो लो। आश थैंक यू। चल अभी तो भूल गई। दया भी, दया का ध्यान किधर है? जलेबी है इधर? नहीं नहीं, इसमें क्या है? जलेबी है, लो जलेबी लो। दीदी आप भी लीजिए ना, आपने तो ढूंढी है। जीजा जी, ऐसे खड़े क्यों, शांति से बैठकर खाओ। बहुत दूर पड़ता है, फिर बार बार कौन आएगा इधर। और कोई बात नहीं, शादी में बुफे में ऐसे ही खाते हैं ना भाई, आदत है मुझे। ठीक है, तू खा भाई, आराम से खा। हाँ हाँ, बाकी हमारा बस 5 मिनट में खत्म हो ही जाएगा। अब बैठे ना। ठीक है भाई, तू देना जल्दी, भूख लगी। ये लीजिए। ना भाई, अकेले मत खा, उनको भी दी। देख ना मुकुआ, नाटो समझ के खाना समझ के खा रहा है। बापूजी ये ले भाई, तू ले। हाँ बाबू जी, मैं जरा। हाँ बाबू जी, सो जाइए, पूरी रात जगे हैं आप, बाद में तू भी थोड़ा आराम कर लेना। हाँ चलो। जीजा जी, मुखवास खाएंगे? हाँ थैंक यू। दया। हाँ। आई आई। ये मुखवास खलास हो गया है, इसमें और है? हाँ हाँ बहुत है। लगी बेना, मैं जाता हूँ। वीरा कहाँ जा रहे हो? अहमदाबाद। अरे तो फिर ये लोग? इन लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है, तो 2-4 दिन रुक जाएंगे। तो वीरा 2-4 दिन तुम भी रुक जाओ ना, फिर सब साथ में जाना। हाँ मामा प्लीज, मामा प्लीज। हे भगवान, नहीं और नहीं और नहीं। दोस्तों, कुएं में गिरा हुआ कोई आदमी रस्सी पकड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा और लगभग बाहर आ गया और अचानक रस्सी टूट जाए और फिर से कुएं में गिर जाए तो क्या हाल होगा? ठीक वैसा ही हाल मेरे दोस्त जेठालाल का भी हुआ है।
भाई ये खबर सुन के कि सुंदर और उसके दोस्त अभी कुछ दिन और रुकेंगे, जेठालाल का टेंशन ठीक उसी तरह बढ़ गया जैसे इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जैसे पत्थर और कांच का कोई संबंध नहीं हो सकता, वैसे जेठालाल और सुंदरलाल का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। संबंध तो है लेकिन बिल्कुल कांच और पत्थर की तरह। भाई दया भाभी और जेठालाल का वैसे तो तालमेल बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बात आती है सुंदर की तो बात कुछ गड़बड़ हो जाती है। दया भाभी के चेहरे की खुशी यह है कि सुंदर कुछ दिन और रुके, और जेठालाल का टेंशन ये कि अगर सुंदर रुक गया तो क्या होगा। भाई अब आप क्या सोचते हैं कि अगर सुंदर और उसके दोस्त यहां रुक गए तो जेठालाल का टेंशन बढ़ाएंगे या जेठालाल इनके अहमदाबाद के टिकट कटवाएंगे। जो भी होगा बेहद धमाकेदार अगले एपिसोड में, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।